bro, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like. Hello, dosto. वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल माय ट्रिक्स क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जो बेसिक टैली अकाउंटिंग के जो टर्म्स कर रहे थे, जो लेसन सीरीज चल रही थी टैली की, तो आज मेरा टॉपिक है कि जो अकाउंट्स के जो बेसिक टर्म में से बचे हुए बैड डेट्स कुछ एक टर्म्स बचे हैं वो आज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे न्यूमेरिक में, न्यूमेरिक के बाद हम स्टार्ट कर देंगे टैली। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैड डेट्स। इससे पीछे भी लेक्चर हो चुके, जो स्टूडेंट पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो पीछे जो आई जो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन पे जितने भी लिंक दिए मैंने वीडियो के वो आप चेक कर सकते हो, या फिर चैनल पे जाके वो सारी सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे करते हैं, सबसे पहले बैड डेट्स की बात करते हैं। बैड डेट्स, मैं डेटर की बात करता हूँ, डेटर्स क्या होते हैं। अब डेटर्स क्या होते हैं जिसने नहीं पढ़ा, तो आई जो लेफ्ट साइड आई आई का जो बटन आ रहा है वहाँ पर जाके क्लिक करके आप जो पीछे के टर्म्स है वो सारे देख सकते हैं। तो बैड डेट्स होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं डूबित ऋण। अभी बता रहा है कि द अमाउंट विच कैनॉट बी रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स इज कॉल्ड बैड डेट्स। अब ये बता रहा है कि ये वो अमाउंट होता है जो हम डेटर्स से रिसीव नहीं कर पाते हैं, उसको बैड डेट्स बोला जाता है। ठीक है जी, जैसे कि लाइक मैं बात करता हूँ कि डेटर्स क्या होते हैं। अब डेटर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे करा पेंट, पेंट खुल जा जल्दी से, तो ये यहाँ पे ओपन हो गया पेंट। तो मैं यहाँ पे डिफाइंड करके देता हूँ कि डेटर्स और बैड डेट्स क्या होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे डेटर्स तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को कोई सामान बेचा है, उधार में सामान बेचा हुआ है, किसी राम पर्सन को बेचा हो, राम पर्सन को मैंने क्या बेचा है, कोई सामान बेचा है 5000 का, तो ये मेरे लिए डेटर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेटर्स कहलाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा डेटर्स, डेटर क्या होते हैं पिछली वीडियो में देख लेना आप सारे जिसने नहीं पढ़ा हुआ है। तो ये डेटर्स कहलाएगा मेरे लिए, बिजनेस के लिए डेटर्स कहलाएगा। अगर मान लीजिए ये मुझे पैसे वापस दे जाता है, उसने बोला कि सर मैं 5000 मैंने आपको पे करना है, बट मैं इसमें से आपको 3000 ही पे कर पाऊंगा क्योंकि मेरी कंपनी को या मेरे बिजनेस को लॉस हो गया हुआ है, तो मैं पैसे वापस नहीं कर सकता, सिर्फ 3000 ही, 5000 में से 3000 ही वापस कर पाऊंगा, 2000 वापस नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो 2000 अमाउंट होगा ये मेरा बैड डेट्स में जाएगा क्योंकि ये मेरा डूब गया ऋण, जो डूबत ऋण होता है, बैड डेट्स होता है डूबत ऋण। अब जो मैं डेटर से अमाउंट रिसीव नहीं कर पाता हूँ उसको बैड डेट्स बोला जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे करके देखते हैं। बैड डेट्स के बाद यहां पे लिखे कि ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन बिजनेस में कितने टाइप की होती है? अब आपको पता है कि ट्रांजेक्शन का मीनिंग होता है लेन देन। बिजनेस में हम लेन देन कितने टाइप से कर सकते हैं? एक बता रहा है कि कैश ट्रांजेक्शन, दूसरा बता रहा है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब देखो, कैश ट्रांजेक्शन नॉर्मल सी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग इमीडिएट रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश। मतलब इसका मीनिंग है कि कैश ट्रांजेक्शन वो होती है जब हम डायरेक्ट उसी टाइम पैसे दे देते हैं या पैसे ले लेते हैं, उसको कैश ट्रांजेक्शन बोला जाता है कैश के थ्रू। बट बोलता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन के होते हैं ट्रांजेक्शन इन विच द रिसिप्ट पेमेंट ऑफ कैश इज पोस्टपोन्ड टू ए फ्यूचर डेट्स इज कॉल्ड एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो होती है जब बोलता हम पैसे नहीं देते बट सामान ले जाते हैं, दे देते हैं सामान, बट वो जो ट्रांजेक्शन होती है पैसे लेने होंगे या देने होंगे वो फ्यूचर के लिए दे देते हैं, डेट की सर इतने डेट को आपको पैसे पे कर दिए जाएंगे, मतलब उधार की ट्रांजेक्शन आ गई जिसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोला जाता है। ठीक है जी, आगे करते हैं। सबसे जरूरी बात, व्हाट इज गैप। अब गैप क्या होता है? मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन थ्रू फर्म एंड कॉर्पोरेशन प्रीपेयर एंड प्रेजेंट देयर एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलता है जनरली जो गैप होते हैं इसकी फुल फॉर्म बता रहा है, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल होती है, ये एक किस्म से रूल होते हैं जो अपनाए जाते हैं, मतलब ये किसी रेगुलेशंस मतलब थ्रू किसी फर्म या कॉर्पोरेट के द्वारा रूल्स को फॉलो किए जाते हैं। मतलब कि हम किसी, ये रूल्स फॉलो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि फाइनेंशियल की जो रिपोर्ट बनती है इसकी ही हेल्प से बनाई जाती है कि बिजनेस की, जैसे बता दिए, फिर से बता रहा हूँ कि ये सेट ऑफ रूल्स एक किस्म के रूल्स होते हैं जो बिजनेस या किसी कॉर्पोरेशन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं क्योंकि इसके ही द्वारा हम एक फाइनेंशियल की रिपोर्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, एक एक्सपेंसेस इनकम और ये लाइबिलिटी एसेट्स की रिपोर्ट को बनाया जाता है। ठीक है जी, आगे करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट क्या होता है? गैप बता रहा हूँ कि कैसे कैसे, जैसे लाइक मैं स्टार्टिंग से ही बोलते आया हूँ कि हम खुद को बिजनेस मान के चलते हैं, खुद को बिजनेस मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े थे अकाउंटिंग के, तो आप
भी यही पढ़ रहे हो पढ़ोगे तो जैसे ही धीरे धीरे जैसे पढ़ोगे आपको लग जाएगा पता कि कैसे कैसे बिजनेस में कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये भी रूल्स होते हैं, जैसे एक एक करके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे देखते हैं। अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इन अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इन द बिजनेस इज कंसिडर टू बी ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द प्रोपराइटर्स ओनर। देखो प्रोपराइटर्स और ओनर एक ही बात होते हैं। बोलता अकाउंटिंग जो कंसेप्ट होते हैं, मतलब ये जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पहला कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, इससे ये हमें मतलब ये फॉलो करने को मिलता है कि जो बिजनेस होता है और जो बिजनेसमैन होता है उसको सेपरेट माना जाएगा। मतलब हम रूल्स आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम अकाउंटिंग का यूज़ करेंगे, कैसे कैसे हम अकाउंटेंट बनेंगे। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि जो बिजनेस होता है और बिजनेस मैन होता है उसको सेपरेट माना जाता है। ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के थ्रू बोला गया हुआ है, इनकी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है ये बोल रहा है कि बिजनेस होता है जो बिजनेस मैन होता है उसको अलग माना जाता है। हम खुद को बिजनेस मान के चलेंगे क्योंकि बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस की जाती है, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है। हाँ कंट्रोल ओनर करता है वो अलग से बात है, बट जो ट्रांजेक्शन होती है वो बिजनेस की जाती है। तो इसलिए हम बिजनेस मान के चलेंगे और जो बिजनेस होता है और जो बिजनेस मैन होता है उसको अलग रखेंगे इस कंसेप्ट के जरिए। नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं। ये तीन लिखा हुआ बट ये तीन नहीं है ना, इसको तीन ये गलती से रखा हुआ है, तीन नहीं मानेंगे। सेकेंड कॉन्सेप्ट है ये, यहाँ से हटा दिया। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखो पहली जो लाइन इसी से लग रहा है पता कि जो बिजनेस बिल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड, इनकी जो बिजनेस की जो लाइफ होती है वो लॉन्ग पीरियड की होती है, मतलब लंबे टाइम की होती है। ये बिजनेस कभी भी खत्म नहीं होता, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है। बेसिक बिजनेसमैन डेड हो जाता है पर बिजनेसमैन की लाइफ कभी भी खत्म नहीं होती है। बट जो हमें जो बिजनेस कि जो फिक्स एसेट्स होती है उसका ओरिजिनल कॉस्ट से जो डेप्रिसिएशन का चार्ज होता है वो हर साल ही चार्ज करना होता है, डिडक्ट करना होता है, मतलब उसका चार्ज को डेप्रिसिएशन को निकालना होता है जो फिक्स एसेट्स होती है। और फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं वो धीरे धीरे आपको बता दूंगा, बट डेप्रिसिएशन क्या होती है वो पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो ये जो मतलब बोलता है बिजनेस जो हो गए लॉन्ग पीरियड के लिए चलाया जाता है, बट हमें जो सालाना एसेट्स होती है फिक्स एसेट्स में वहाँ से जो डेप्रिसिएशन का चार्ज होता है वो काटना पड़ता है। ठीक है जी, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है। सिंपल सा इतना याद रखना जो लाइफ होती है बिजनेस की वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली होती है। चलिए आगे करते नेक्स्ट कंसेप्ट बोलते हैं मैनी मेजरमेंट कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट एज्यूम्ड द ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन मस्ट बी इन टर्म ऑफ मनी दैट इज एन द कंट्री ऑफ एक कंट्री, मतलब करेंसी ऑफ कंट्री। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है आप देखो ध्यान से सुन रहा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस में वो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे जो मनी से रिलेटेड होगी, मतलब फर्दर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिर्फ हम बोलता अकाउंट्स की जो बुक होती है वहाँ पे सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसमें मनी का लेन देन हुआ होगा, अनदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लाइक एग्जांपल के लिए फिर से बता रहा हूँ, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये बोलता है कि सिर्फ मनी के रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होगी वो ही हम रिकॉर्ड करेंगे, अनदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि लाइक मैंने पैसा दिया, पैसा मेरे पास आया, किसके थ्रू आया, किससे कितना पैसा लेना, ये सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। बट मुझे किसकी, जैसे मान लीजिए मेरे कंपनी में कोई एम्प्लॉयज काम कर रहा है, मुझे उसकी उससे मतलब उसकी वजह से मेरी बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, उसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है तो मैं उसको थोड़ी रखूंगा, उसका रिकॉर्ड थोड़ी रखूंगा कि मुझे मेरे एम्प्लॉयज की वजह से ये प्रॉफिट हुआ, ये उसका रिकॉर्ड नहीं रखूंगा मैं, उसका नाम का रिकॉर्ड रखूंगा कि इसकी वजह से मुझे प्रॉफिट हो रहा है ये रिकॉर्ड रखा जाएगा। नहीं, मुझे क्या प्रॉफिट हुआ सिर्फ मनी के रिलेटेड, पैसा आया कितना आया वही रिकॉर्ड रखा जाएगा, मगर किसी और हेल्प हो रही है मेरे बिजनेस में वो रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। मेरे एम्प्लॉयज़ ने मुझे मुझे क्या कर दिया, इतनी कस्टमर ला के दिए, इतनी सेल करवा दी, मैं इतना थोड़ा लिखूंगा कि मेरे एम्प्लॉयज़ ने ये इतने 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 इनकम आई उसकी वजह से, नहीं, कितनी कौन किसकी वजह से इनकम आई, कौन सी इनकम आई वो रिकॉर्ड रखूंगा, अनदर फर्दर रिकॉर्ड नहीं रखूंगा। ये होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। आगे करते हैं
अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, आपको पता है कि हमारे जो ईयर होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, और एक कैलेंडर ईयर जो जनवरी टू दिसंबर होता है। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बोल रहा है कि जो बिजनेस की जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जो बिजनेस की पोजिशन होती है, उसको हम एक पीरियड बना के चलेंगे। मतलब एक पीरियड बनाया होगा जिस जो पीरियड होगा जिसको फाइनेंशियल पीरियड बोला जाएगा, अकाउंटिंग पीरियड बोला जाएगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो हम जितनी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन होगी उसी पीरियड के बीच में रखेंगे, उसी पीरियड के बीच में बिजनेस की पोजीशन को देखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट उसी पीरियड के बीच में रखी जाएगी। देखो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस की जो लाइफ है जो चलती रहती है लंबे टाइम, बट हमें पोजीशन तो देखनी है ना, कितना कौन सी पोजीशन में बिजनेस काम कर रहा है, प्रॉफिट कितना हुआ, इनकम कितना हुआ। तो उसके लिए उन्होंने एक अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट रखा कि इसके बीच में हम इसकी बिजनेस की पोजीशन का फीडबैक लेंगे कि कितना पैसा है, कितनी इनकम आए, कितना खर्चा हो, कितनी लाइबिलिटी, कितनी एसेट्स है, और कितना वो बिजनेस मेरी कौन सी पोजीशन में है। तो उसके लिए उन्होंने एक पीरियड रखा है, वो पीरियड आ गया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, इसी बीच में हम बिजनेस की पोजीशन को देखेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे करके देखते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट, अब बताए डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। डेबिट एंड क्रेडिट आर द टू फंडामेंटल एक्सेप्ट एस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द डेवलेंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इन विच एवरी डेबिट ट्रांजेक्शन मस्ट हैव ए कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड वाइस वर्सा। देखो डेबिट एंड क्रेडिट ध्यान से, एक होता है डेबिट एंड क्रेडिट, एक होता है डेटर्स और क्रेडिटर, इन दोनों में, इन चारों में फर्क होता है। डेटर्स देनदार, क्रेडिटर लेनदार, जो बिजनेस के लेनदार और देनदार होते हैं वो डेटर और क्रेडिटर कहलाते हैं। बट डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, डेबिट मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ लेजर अकाउंट, क्रेडिट मीन्स राइट साइड ऑफ लेजर अकाउंट। मतलब बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसके दो इफेक्ट पड़ेंगे। अब जो भी इफेक्ट पड़ेंगे उसको एक डेबिट के पक्ष में लिखा जाएगा, एक क्रेडिट के पक्ष में लिखा जाएगा। अकाउंट्स के दो साइड होती है पक्ष, ये देखिए एक डेबिट साइड होती है और दूसरी क्रेडिट साइड होती है। कौन कौन सी, एक डेबिट मींस लेफ्ट साइड और क्रेडिट मींस राइट साइड। जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, कोई भी बिजनेस की कोई भी ट्रांजेक्शन, सामान खरीदो दो इफेक्ट पड़ेंगे, बेचो दो इफेक्ट पड़ेंगे, एक्सपेंसेस दो इफेक्ट पड़ेंगे, इनकम लो दो इफेक्ट पड़ेंगे। अब जो भी इफेक्ट पड़ेंगे उसको एक डेबिट के पक्ष में रखना होता है, दूसरे को क्रेडिट के पक्ष में रखना होता है। अब पक्ष में कैसे रखेंगे वो रूल के हिसाब से धीरे धीरे मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है जी, ये होते हैं टाइप ऑफ अकाउंट्स, कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं ये मैं कल पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अब जो मेन चीज़ है ये आगे स्टार्ट होगी, अगर ये चीज़ें आपको नहीं आएंगी आप टैली को टच भी नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब बस 2 दिन के बाद आपकी टैली स्टार्ट कर दी जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।